सबका अभिवादन है। डॉक्टर मंगल सेन जी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे, उनकी आज जयंती है। उनको भावांजलि अर्पित करके संयोग और सुयोग भी है कि पिछली बार 26 को, दूसरी बार 27 तारीख को शपथ थी, तो सरकार के भी 9 साल पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर रामबिलास शर्मा जी डॉक्टर मंगल सेन जी के अंतिम समय में जब निकट थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि अपनी संपूर्ण राजनीति अपनी करना, भारतीय जनता पार्टी की करना। उस समय शुरुआत भी की रामबिलास शर्मा जी ने, एक चुनाव जो है बीजेपी ने अकेले लड़ा एक तरह से 91 में, लेकिन उस समय उतना समर्थन हमको नहीं मिला। लेकिन 2014 में डॉक्टर मंगल सेन जी का वो स्वप्न पूरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पर हरियाणा में सरकार बनी और अभी दूसरी बार सरकार है गठबंधन के साथ। इन वर्षों में बहुत सारी चीजों को अपने सामने होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है। अपने आप में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सपने आपने जवानी में देखे हों और अपने ही जीवन काल में, अपने ही प्रौढ़ अवस्था में उनको पूरा होता हुआ देखे। मुझे याद है छात्र जीवन में आर्टिकल 370 के खिलाफ धरने और 1990 का एक मार्च, कश्मीर मार्च, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में 91 में गए थे, एबीवीपी 90 में गई थी और उस समय मैं एबीवीपी का नेशनल सेक्रेटरी था। 4 दिन वहाँ मौलाना आजाद कॉलेज में टेम्परेरी जेल में रहे थे और बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के घर पे जाके झंडा सौंप के आए थे। इतने बड़े उस आंदोलन का हिस्सा रहे, उन 7-8 लोगों में मैं भी एक था जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर गए थे। उस समय के मैं कुछ स्मरण करूं तो नड्डा जी की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा जी थी, तावड़े जी की धर्मपत्नी वर्षा पवार थी, उस समय शादियां नहीं हुई थी, ये बनर्जी थी उस समय, मल्लिका बनर्जी, राजकुमार भाटिया, चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र में अभी मंत्री हैं। अपने ही समय में इसको टूटते हुए देखना अपने जीवन काल में, ऐसे ही राम जन्मभूमि आंदोलन के भी हिस्सा रहे, गिरफ्तारी दी लखनऊ में, वो सारा नजारा अपनी आंखों से देखा, जागरण का अखबार एक दिन में कई कई बार छपते हुए देखा, लखनऊ के उसके संस्करण 4-4 पेज। और अपने ही समय में 22 जनवरी को मंदिर का शिलान्यास होते हुए, ये उद्घाटन होते हुए देखेंगे, शिलान्यास होते हुए देखा। इन्हीं 9 वर्षों में पंचायत मंत्री के नाते, जहां हमने यहां से शुरुआत की थी कि घर में शौचालय बने, आपको याद होगा 4 शर्तों में एक शर्त थी, और आज हर घर में शौचालय है, कोई लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता। ग्राम गौरव पट हमने हरियाणा में लगाए, मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने देश भर में शिलापट हरियाणा के सुंदर प्रयोग की आवर्ती पूरे देशव्यापी की। ईंधन को बदलते हुए हमने देखा, वो भी याद है कि अपने घर में रसोई गैस ओम प्रकाश कोहली जी की चिट्ठी से आई थी और फिर हर घर में रसोई गैस पहुंचते हुए देखी।
एक एक दो दो किलोमीटर से पानी घरों में कैसे दो दो घड़े रख के आता था, हर घर में नल से जल पहुंचते हुए देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदलते हुए इन 9 वर्षों में देखा। आज बहुत सारी हमारी हरियाणा की सड़कें ऐसी हैं कि दुनिया की किसी भी सड़क मार्गों से उनकी तुलना हो सकती है या वो बेहतर हो सकती है। 152 डी की यात्रा का आनंद, द्वारका एक्सप्रेस वे थोड़े दिन में शुरू होने वाला है, राजीव चौक से गुड़गांव से जयपुर जाने का रास्ता अपने सामने के एमपी को बनते हुए देखा, मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। एनसीआई हमारी समय में, भूमि पूजन हमारी समय में, ढांचागत बदलाव, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते हुए देखा। चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड से आदि से अधिक प्रदेश की आबादी को सुरक्षित होते हुए देखा। मुझे याद है मेरी बहुत फोटो वायरल की गई, कुर्ता उतारी हुई, उस समय गेहूं का भाव 1450 रुपये था, हमने 2100 की बात वहां लिखी थी एक उसके आधार पर कि 1400 अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 50% प्रॉफिट के साथ होना चाहिए। अपने ही समय में 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम बढ़े, स्वामीनाथन की सिफारिशें A2+FL के रूप में लागू हुई, और जिसके कारण से इन 9 वर्षों में खेतों की आमदनी 40,000 से लेकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ी है। उस MSP से इस MSP तक की दोनों फसलों की यात्रा को अगर जोड़ लेंगे तो, दोनों फसलों में बढ़े हुए MSP की मात्रा को जोड़ लेंगे तो, भावांतर भरपाई शुरू करने का अवसर मिला, शिक्षित पंचायतें प्रारंभ करने का अवसर मिला, गौ संरक्षण का बेहतरीन कानून इन्हीं दिनों में बनना लागू होना, उसका आनंद मिला। अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के बदलाव, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते हुए देखा। दुनिया की फार्मेसी भारत बनी, हरियाणा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हुए हम सबके सामने, ये बदलाव अपने सामने इन्हीं वर्षों में देखा। किसानों को जोखिम फ्री करने का एक सपना था, मोदी जी की रेवाड़ी रैली में एक भाषण मैंने किया था, वो मेरा बहुत वायरल किया कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, और इस बात का आनंद है आज 11,600 करोड़ रुपये सालाना से ज़्यादा 11,600 करोड़ रुपया इन 9 वर्षों में कंपनसेशन किसानों को मिला है। मैं कहूँगा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं कि जिसमें हम ये कहीं अछूता रहा। इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने, भारत की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बड़े बदलाव करने का प्रयास किया है, और उन बड़े बदलावों का जमीनी स्तर पर क्या असर है, जमीनी स्तर पर क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी चर्चा आज 9 वर्षों के उपलक्ष्य में हमने की है। कल दायित्व तो दिया है कि सभी जिलों में भी इस विषय पर हमारे प्रमुख नेता प्रेस करेंगे। 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद 4,00,000 परिवारों को हम इस विषय में संपर्क करेंगे। 2 नवंबर को इसी के उपलक्ष्य में अमित शाह जी के आएंगे करनाल में, और एक लाभार्थियों की एक बड़ी रैली होगी। इस तरह से 9 साल का ये उत्सव चलेगा। इसी बीच में 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी मेरा देश मेरी माटी के